हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 पार्ट 2। लेट्स डू अ क्विक रिविजन फर्स्ट। ये हमारा पहले का चैप्टर है। इसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ लिया है, व्हाट ग्लोब इज। देन वी स्टडीड एक्सिस। देन वी टॉक्ड अबाउट इक्वेटर। इक्वेटर इज विच डिवाइड्स अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स। तो दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है, दैट्स कॉल्ड इक्वेटर। बट ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। तो एक इमेजिनरी लाइन है ये। ओके, नाउ हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ हम इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड वाला टॉपिक भी कवर कर चुके हैं। देन उसके बाद टुडे वी हैड टू कंप्लीट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। सो फ्रेंड्स, अर्थ के ऊपर, जस्ट बिकॉज हमारी अर्थ स्लैंटिंग है, तो उसके ऊपर इस तरह से सन की रेज आती हैं। जो तो जिस रीजन में सबसे ज़्यादा सन रेज आती हैं, वो रीजन मिड रीजन है। मिड रीजन मीन्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न के बीच बीच में। इसका मैं अभी आगे आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, बट फिलहाल के लिए आप इतना जान लें, इनके बीच में जो रीजन है उसे टॉरिड जोन कहा जाता है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है, इस वजह से इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। जो टॉरिड जोन के नॉर्थ टॉरिड जोन एंड साउथ टॉरिड जोन के पास के एरियाज होते हैं, उन्हें टेम्परेट जोन्स कहा जाता है, क्योंकि कुछ मात्रा में हीट वहाँ तक भी पहुँच जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस रीजन में जैसा आप देख सकते हैं, इस रीजन में यहाँ तो पहुँच ही रही है, बट यहाँ भी थोड़ी बहुत और यहाँ भी थोड़ी बहुत रिसीव हो रही है। इसके अलावा जो रीजन्स हैं ऊपर, उनको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, जहाँ पर सन की जो रेज हैं वो पहुँचती ही नहीं है, हीट बिल्कुल भी नहीं पहुँचती। इस वजह से वो जो जोन्स हैं वो बर्फ़ में ढके हुए हैं, वो बर्फ़ में जमे हुए हैं, इसलिए उन्हें फ्रिजिड जोन कहा जाता है। टेम्परेट जोन, जिसमें सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा हीट आती है सन की। और फिर सेकंड नंबर पे हैं टेम्परेट जोन्स, जहाँ पे हीट आती है बट थोड़ा कम आती है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक सन वहाँ पे राइज नहीं होता, होराइजन से सन ज़्यादा ऊपर राइज नहीं होता। इतना होता है बस। बाकी अगर हम देखें तो काफ़ी ऊपर तक सन जाता है, बट टेम्परेट जोन्स में नहीं जाता। बाकी फ्रिजिड जोन के अंदर बिल्कुल भी सन की जो रेज हैं उस एरिया तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो इसके बारे में अब हम आगे और पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लॉन्गिट्यूड्स को जान लेते हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? तो जैसे कि हमने लैटिट्यूड्स पढ़ा था, जो लाइन हॉरिजेंटली मेड होती हैं उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है। तो वैसे ही जो लाइन वर्टिकली डाली जाती हैं, वर्टिकली बनी होती हैं, उन्हें बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स इक्वेटर के पास वाले रीजन में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में होती हैं, इट मीन्स हाफ ऑफ द अर्थ। बट जो बाकी रीजन है वहाँ पे ये जाकर मिलने लगती हैं, यहाँ से ये पास हो जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ टॉप में आकर ये मिलने लगी। सो ये यहाँ पर देखिए आप, पास आते आते ये बहुत ज़्यादा मिलने लगती हैं और पास आ जाती हैं। तो इनका यूज़ क्या था लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का? मैंने आपको बताया था कि कोई भी लोकेशन शो करने के लिए, कि हमारी कंट्री का पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर स्टेट, उसका पर्टिकुलर रीजन, उसका पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ये सब कहाँ पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के ग्रिड सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। इट मीन्स यहाँ क्या था कि
इस तरह से कुछ ग्रिड सिस्टम बना दिया जाता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का, जस्ट अ मिनट गाइस, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का एक रिजिड सिस्टम बना दिया जाता है, ग्रिड सिस्टम सॉरी। तो उस ग्रिड सिस्टम के थ्रू हम जहाँ पर भी ये ग्रिड सिस्टम कट कर रहा होता है, जिन भी रीजन्स में, जैसे कि यहाँ यहाँ पर ये कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, तो जो कंट्री इनके बीच में पड़ेंगी, जिन जिन कंट्रीज के बीच में ये कट पड़ेगा, वो उसका पर्टिकुलर लोकेशन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जो टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में और मॉरिशियस आइलैंड है इंडियन ओशन में, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, सेम लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, दैट इज 20 डिग्री एंड साउथ। अब इन्होंने आगे ये भी बताया है कि आगे और भी अगर हम प्लेसेस को फाइंड करना चाहें तो इसी तरह तरह से हम उनको फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रिड सिस्टम एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। इसीलिए इन लाइंस को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है उसे डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब हम इसमें खास चीज़ें जानेंगे कुछ, कि ये जो डिग्रीज हैं ये सब मिनट्स में डिवाइडेड है और मिनट्स सेकंड्स में डिवाइडेड है, और ये जो बनी हुई है ये सब सेमी सर्कल है, और इनका जो डिस्टेंस है ऊपर आते आते पोल रीजन्स पे वो कम हो जाता है। लेकिन लैटिट्यूड्स में क्या होता है, लैटिट्यूड्स में तो वो पैरेलल रहता है, सो लैटिट्यूड्स में पैरेलल होता है, मगर लॉन्गिट्यूड्स में वो रीजन पोल रीजन्स पे आते आते, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे आते आते वो रीजन ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये कम होती जाती हैं, ये पास पास आती जाती हैं, पैरेलल नहीं रहती एक दूसरे की ये लाइंस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्राइम मेरिडियन। व्हाट प्राइम मेरिडियन इज, सी गाइस, PMAM आपने पढ़ा होगा, एंटी मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, जिससे हम टाइम को डिनोट करते हैं। तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्राइम मेरिडियन एक बहुत ही फेमस प्लेस है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के अंदर, उसका नाम है ग्रीनिच। ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे बना दी गई, ग्रीनिच एक जगह का नाम है। तो ग्रीनिच से ही प्राइम मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उसको वहाँ से स्टार्ट किया गया, माना गया कि यहीं से सभी कंट्रीज़ का टाइम स्टार्ट होगा। टाइमिंग मतलब क्लॉक वाली टाइमिंग स्टार्ट होगी, कि कितना टाइम, कितना वो क्लॉक हो रहा है, जैसे कि 5 o'clock, 6 o'clock, कितना टाइम हो रहा है वो यहीं से स्टार्ट होगा। इसके आगे जो कंट्रीज़ होंगी उनका टाइम चलता जाएगा, उससे पीछे जो कंट्रीज़ होंगी उनका टाइम कुछ मिनट्स या आवर्स के बैक हो जाएगा, मतलब इतना मिनट्स पीछे रह जाएगा उनका समय। तो मैं भी इस बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी, फिलहाल आप इतना जान लें कि हमारी अर्थ को भी 2 equal parts में लॉन्गिट्यूड लाइन्स डिवाइड कर देती हैं। तो हम एक को ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं इस तरफ, और एक को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं इस तरफ। प्राइम मेरिडियन ये जो लाइन बीच में से जा रही है इसे कहा जाता है, यहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट है, दैट इज़ फ्रॉम द 0 degree, एंड इसके इस तरफ जाने पे ये टाइम ईस्टर्न साइड है, एंड दिस इज़ ये पूरा घूम के पीछे की तरफ से होते हुए फिर ये यहाँ आता है, तो ये वेस्ट साइड में आता है। तो अगर यहाँ पर अगर 15 minutes बीत चुके हैं, सॉरी 15 degrees तक अगर वो आगे आ चुका है, इट मीन्स हमने 1 hour क्रॉस कर दिया। अगर कोई कंट्री यहाँ पर है, अगर कोई कंट्री यहाँ 30 degree ईस्ट में है, इट मीन्स वो 2 hours आगे चल रही है, और उससे अगर कोई कंट्री यहाँ 30 degree वेस्ट में है, तो इट मीन्स 1, 2, 3, 4 hours वो कंट्री वेस्ट वाली पीछे चल रही है। हम इसी तरीके से आगे भी इन चीज़ों को जानेंगे, बट गाइज एक्चुअली मैं 10 minutes की वीडियो बना सकती हूँ, और अभी 9 minutes एंड कुछ सेकंड्स हो चुके हैं। तो बाकी की चीज़ें ये देखिए, ग्रिड सिस्टम है और भी सारी चीज़ें हैं, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगी। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब इट, थैंक यू।